फिर एक और नुकसान होता है कि ये यूरिया डीएपी जब हम खेत में डालते हैं तो मिट्टी में ये केमिकल घुल जाते हैं, और मिट्टी में घुल गए तो पौधे की जड़ में आ जाते हैं, पौधे की जड़ से पौधे के तने में आ जाते हैं, पौधे के तने से पौधे के फल में आ जाते हैं, पौधे के फल में आ जाते हैं, तो फिर वही फल हम खाते हैं। मैं भारत को भारत की भारतीयता के अनुसार फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हुआ हूँ। ये लाइन है राजीव दीक्षित जी की, जो अगर आप उनके किसी भी अपने चैनल पर जाकर देखेंगे तो हर वीडियो से पहले ये लाइन आपको सुनने को मिलेगी। आज की वीडियो होने वाली है हमारे देश के किसानों के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज के टाइम में हमारे देश के जो किसान हैं वो सब रासायनिक खाद, रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल जोरों शोरों से कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये जानकारी नहीं है कि उससे उनका नुकसान क्या हो रहा है, और वो जो पैसा उस रासायनिक खाद और रासायनिक कीटनाशक में लगा रहे हैं वो पैसा कहाँ जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो रासायनिक खाद हम अपने खेतों में इस्तेमाल कर रहे हैं, इस खाद का हमारे खेतों पर क्या असर पड़ता है। गेहूँ की फसल का उदाहरण देके मैं आपको बताता हूँ कि जो गेहूँ की फसल 3 पानी देने पर हमारी गोबर के खाद से तैयार हो सकती है, वही रासायनिक खाद अगर हम डाल रहे हैं तो उसमें हमें 5 से 6 पानी लगाने पड़ते हैं। इतना फ़र्क होता है क्योंकि रासायनिक खाद गर्म होता है, मिट्टी को चटकाता है, मिट्टी में गर्मी ज़्यादा पैदा करता है, तो उसके लिए पानी ज़्यादा लगाना पड़ता है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमारे गांव के लोगों को भी एक स्वदेशी आंदोलन चलाना पड़ेगा, जैसा कि राजीव दीक्षित जी ने अपने टाइम पर चलाया था। रासायनिक कीटनाशक जिसको यूरिया हम बोलते हैं, डीएपी हम बोलते हैं, सुपर फॉस्फेट हम बोलते हैं, और इसके अलावा एंडो सल्फान बोला जाता है, मेलाथियान बोला जाता है, पैराथियान बोला जाता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड बोला जाता है। इन नाम से कोई भी चीज़ अगर आपको मिल रही है तो आप समझ सकते हैं कि ये सारा विदेशी प्रोडक्ट आप अपने खेत में इस्तेमाल कर रहे हैं, जो केवल आपके पैसे का ही नहीं आपके खेत का भी नुकसान कर रहा है। आपको मैं बता दूं कि एक अभी रिसेंट सर्वे में इस चीज़ का एक अंदाज़ा लगाया गया था कि लगभग एक साल में 5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का टर्नओवर ये विदेशी कंपनियां हमारे देश में घुमा रही हैं केवल हमारे देश के किसानों से। यानी कि अगर हमारे देश के किसान का एक साल में 5 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा विदेश में जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि किसान की जेब में क्या आ रहा है। हर चीज़ महंगी होती जा रही है। यूरिया का कट्टा भी अगर आप देखेंगे कि आपसे अगर 5 साल पहले आप कितने रुपए का ले रहे थे और आज के टाइम में वो कितने रुपए का होता जा रहा है, यानी कि जो सर्वे मैंने 5 लाख करोड़ का बताया एक साल पुराना है, आज के टाइम में इसकी वैल्यू बढ़कर और ज़्यादा हो चुकी होगी, क्योंकि ये सभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं और जिस पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनते हैं उसे नेफ्ता बोला जाता है। नेफ्ता ये विदेशी प्रोडक्ट है, विदेश से ही आता है, और इसे खरीद के जो भी आप पैसा अपने खेती पर खर्च कर रहे हैं वो भी सब विदेश में जा रहा है, और आज साथ के साथ में आपके खेत का नुकसान हो रहा है। अगर आज आप अपने खेत में एक कट्टा यूरिया डीएपी का लगाया है तो अगले साल आपको ज़रूर 2 लगाना पड़ेगा, और अगर आप फिर आपने 2 लगाया तो वो 3 लगाना पड़ेगा, जिससे आपका खेत तो ख़राब हो ही रहा है, साथ के साथ में आपका खर्चा भी बढ़ता जा रहा है। इसके बाद में एक वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, अभी जो एक वीडियो मिलेगी वो आपको राजीव दीक्षित जी की ही वीडियो देखने को मिलेगी, तो इस वीडियो को देख के आपको एक जानकारी और मिलेगी कि खेत में ये रासायनिक प्रोडक्ट और रासायनिक कीटनाशक को लगाने से हमें इससे भी ज़्यादा और क्या नुकसान हो रहा है। डीजल पंप चलाना पड़ता है तो डीजल का खर्चा बढ़ता है, और डीजल कभी भी महंगा होता रहता है। एक जमाने में 7 रुपए लीटर मिलता था डीजल, अब 35 रुपए लीटर, 2-4 दिन के बाद ये 40 रुपए लीटर होने जा रहा है, फिर हो सकता है साल डेढ़ साल में 100 रुपए लीटर हो जाए। किसान कहां जाएगा, मर जाएगा वो तो डीजल का खर्चा करते करते। और फिर एक और नुकसान होता है कि ये यूरिया डीएपी जब हम खेत में डालते हैं तो मिट्टी में ये केमिकल घुल जाते हैं, और मिट्टी में घुल गए तो पौधे की जड़ में आ जाते हैं, पौधे की जड़ से पौधे के तने में आ जाते हैं, पौधे के तने से पौधे के फल में आ जाते हैं, पौधे के फल में आ जाते हैं, तो फिर वही फल हम खाते हैं, हमारे शरीर में आ जाते हैं, और हमारे शरीर में अगर ये जहर आ गया तो हमारी माताएं तो पूतना हो जाती हैं। पूतना वही है जो कृष्ण भगवान को अपना जहरीला दूध पिलाने आई थी कृष्ण भगवान को मारने के लिए। यानी कि आज के टाइम में
दूध में जहर घोलने की किसी को जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे पहले ही हमने बहुत सारा यूरिया, डीएपी और कीटनाशक जो है अपने सिर में डाला हुआ है, जिससे कि हमारे बच्चे जो अपनी माँ का दूध पी रहे हैं उसमें उन सबका असर आ रहा है। आप सबसे अनुरोध है कि ये स्वदेशी आंदोलन में हमारा साथ दें, स्वदेशी चीज़ों को अपनाना शुरू करें और कोशिश करें कि खेती बाड़ी जो हम कर रहे हैं वो जितना हो सके अपने देसी प्रोडक्ट्स, देसी कीटनाशक, देसी खाद के साथ में जो है की जाए। हम लोग ऑर्गेनिक से जुड़े हुए हैं, ऑर्गेनिक को प्रमोट करते हैं, तो हम ऑर्गेनिक किसानों को भी प्रमोट करते हैं। कोई भी ऑर्गेनिक किसान है, अगर वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है, उसका प्रोडक्ट कहीं पर नहीं बिक रहा है, तो वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, हम पूरी मदद करेंगे उसके प्रोडक्ट को उसके खेत से बिकवाने के लिए। लेकिन शर्त एक है कि उस प्रोडक्ट की पहले टेस्टिंग होगी, वो 100% ऑर्गेनिक निकलना चाहिए। राजीव दीक्षित जी ने महंगाई को लेकर भी अब से बहुत साल पहले चीज़ बताई थी कि डीजल आज 7 रुपये है, कल को 30 रुपये होगा और आने वाले टाइम में 100 रुपये भी होगा। और आज के टाइम में हम लोग देख सकते हैं कि जो उनकी कही कही एक एक बात है वो सत्य होती जा रही है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, स्वदेशी चीज़ों को अपनाएं, अपने अपने परिवार की सेहत का ख्याल रखें। हमारे चैनल पर आकर हमारी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।